पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आज देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन आज इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, हम लोग सारी डिटेल आज हम लोग इसका क्लियर करेंगे। पहले बताते हैं क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। ये कार्बन फुलफिल ऑर्बिटल है, मतलब कार्बन एक दो तीन चार ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है। चार बॉन्ड बना चुका है तो क्या इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो दो चार दो छह दो आठ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑलरेडी मोर स्टेबल इस कार्बन, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो चार छह दो आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे आ रहे हैं, चलो बताओ यहाँ पे दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन है मतलब अभी ये लेस स्टेबल है। ये ऑक्टेट रूल से दो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, कम है। अब ऑक्टेट रूल से दो इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करोगे, अब जैसे कम हो गया तो इसको कितना होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा सर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा, तो रिमूव कैसे करेगा, तो ये टूटे आपका प्लस में और ये आएगा माइनस में, और ये माइनस और ये प्लस मिल के आपस में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा बनाएगा यहाँ से बाहर क्या हो गया आपका एच प्लस। अब ये डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड जैसे बनाया था, अब इसको देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो चार छह और दो आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गए। इसका कितने हुए, दो चार छह और छह दो आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। मतलब एक कंपाउंड जो हो गया इस कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल है, मतलब मोर स्टेबल है, ये कंपाउंड क्या हो गया, लेस स्टेबल। और कोई भी कंपाउंड जो होगा मोर स्टेबल से किसमें होना चाहेगा, सॉरी लेस स्टेबल से किसमें होना चाहेगा, मोर स्टेबल में। तो ये जो कंडीशन था, ये जो हमारा लेस स्टेबल कंपाउंड है, ये लेस स्टेबल से किसमें कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल कंपाउंड में। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पे अगर होता है, पहला कार्बोकेटायन में होता है, दूसरा फ्री रेडिकल में होता है, तीसरा क्या होता है कार्बिन में, चौथा होता है सॉरी कार्बिन नहीं एल्किन में होता है, उसके बाद होता है अल्काइन में। हम लोग डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो हम लोग डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन डेफिनेशन, जैसे हम लोग बताए थे रेजोनेंस, रेजोनेंस में पाई पाई कंजुगेशन होते थे, पाई लोन पेयर कंजुगेशन होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड फिर एच सिग्मा है, और ये सिग्मा के बगल में कार्बन है ना, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। डेफिनेशन होगा तो क्या होगा कि पाई और ये सिग्मा, पाई और सिग्मा कंजुगेशन को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा होना चाहिए, हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इसके बीच में जो कंजुगेशन हो रहा है इस कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। एक क्वेश्चन भी आया था जेई में कि हाइपर कंजुगेशन में क्या क्या होता है, पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटायन कंजुगेशन या पाई सिग्मा कंजुगेशन। तो राइट आंसर क्या था हमारा, पाई सिग्मा कंजुगेशन जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा जो बॉन्ड होगा वो ट्रांसमिटेंस हो जाता है, मतलब इसमें जो कौन सा कंजुगेशन होगा, पाई और सिग्मा बॉन्ड। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, देखो रीजन मतलब कंजुगेशन कराते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आपका खुलेगा, और जैसे खुलेगा तो यहाँ पे आपका आ गया CH2 पे माइनस चार्ज, और ये हो गया CH, और यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH2। यहाँ से बाहर रिमूव क्या हुआ हमारा H प्लस, ये टूटेगा प्लस में और ये टूटेगा माइनस में। अब यहाँ से हमारा क्या बाहर हो गया, H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे भी H प्लस हो रहा था रिमूव, यहाँ पे भी H प्लस हो रहा था रिमूव, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो इसको डेफिनेशन क्या तैयार करेंगे, तो सर सिग्मा पाई कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। डेफिनेशन लिखना है ट्रांसमिटेंस, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन हो गया ट्रांस
मीथेन्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इफेक्ट थ्रू थ्रू सिग्मा पाई कंजुगेशन कंजुगेशन आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन हाइपर हाइपर कंजुगेशन कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन के इसको दूसरा नाम से हम लोग बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये हमारा एग्जांपल है। इट इज आल्सो नोन एज एज नो बॉन्ड रेजोनेंस रेजोनेंस। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन बोलता है सिग्मा पाई कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं क्या हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में किस किस मतलब कंडीशन होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन होने के लिए और हाइपर कंजुगेशन होगा। अच्छा इसको एक चीज और बोलते हैं ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम या इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा एच। तब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है और कितने हाइपर कंजुगेशन हो गए और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्किन के ऊपर कि एल्किन में हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे और इसका हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी। हाइपर कंजुगेशन अकर्स मतलब पहला होगा हमारा अभी हम लोग बताए थे एल्किन के ऊपर। एल्किन अल्किन मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। अल्किन का मतलब हो गया आपका डबल बॉन्ड ठीक है। तो अल्किन में हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कैसे शो करेगा जैसे देखो कैसे शो करेगा हम लोग क्या करेंगे जैसे सी सी डबल बॉन्ड इधर बी एच इधर बी एच इधर बी एच इधर बी एच एग्जाम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच चलो इसमें पता करेंगे कहाँ कहाँ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन जहाँ पे हो रहा है आखिर कितने हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन एटम होंगे। तो चलो बात करेंगे पहला में हाइपर कंजुगेशन देखने के लिए पहला ट्रिक है कि जहाँ पे सीसी डबल बॉन्ड है उसको ढक दिया जाए। उसको ढक देंगे ढकने के बाद वाला कार्बन ढकने के बाद मतलब जिसमें कार्बन इसको ढक दिए ढकने के बाद क्या इधर कार्बन है नहीं है इधर कार्बन है नहीं है कार्बन नहीं है नहीं रहेगा कार्बन तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। चलो आते हैं यहाँ पे सीसी डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को ढक दो ढकने के बाद इधर कार्बन है ऑलरेडी कार्बन है कार्बन पे जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा उस कार्बन पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी एक हाइड्रोजन होना चाहिए कितने हाइड्रोजन होना चाहिए एक हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है तीन तीन हाइड्रोजन है। मतलब सर सी सी डबल बॉन्ड के क्रॉस इधर देखेंगे कार्बन है कार्बन पे हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। आखिर कितने हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन आइटम होंगे तो कितने होंगे थ्री होंगे तो थ्री हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गए। चलो आते यहाँ पे चलो सीसी डबल बॉन्ड है वहां पे ढक दिए जैसे ढक दिए इसके बगल में कार्बन है बिल्कुल है इधर कार्बन है बिल्कुल है कार्बन पे हाइड्रोजन है यस तीन तीन हाइड्रोजन है तो शो करेगा इधर हाइड्रोजन है तो शो करेगा। तो टोटल हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए हैं तीन इधर सिक्स हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गए। आते हैं नीचे में चलो यहाँ पे सर सीसी डबल बॉन्ड है इसको ढक दो ढक दिए ढकने के बाद इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है
तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तीन हाइड्रोजन है तो शो करेगा, इधर कार्बन पे हाइड्रोजन है तीन है हाइड्रोजन शो करेगा, इधर कार्बन पे हाइड्रोजन है बिल्कुल है इसको शो करेगा, इधर में दो हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए हैं, तो तीन तीन छठ आठ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम हो गए। चलो आते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे सीसी डबल बोन है, इसको ढक दो, ढकने के बाद ये हाइड्रोजन नहीं देखना है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं देखना है, इसके बगल वाला कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन पे शो करेगा, इधर हाइड्रोजन है बिल्कुल है शो करेगा, इधर हाइड्रोजन है शो करेगा, टोटल हाइड्रोजन कितने में तीन छीन नाइन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम हो गए आपके। चलो इस वाला क्वेश्चन पे देखते हैं, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, तो सीसी डबल बोन है, इसको ढक दो, ढकने के बाद क्या करोगे, कितने हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होगा, तीन तीन छह तीन नौ और तीन बारह हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, और ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। आते हैं यहाँ पे बताओ सीसी डबल बोन है, ढक दिए, सर इधर तीन है, इधर भी तीन है, तीन और तीन छह हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। नीचे में देखेंगे सीसी डबल बोन है, इसको ढक दो, इसके इस कार्बन के बगल वाला कार्बन है बिल्कुल, इधर भी कार्बन है, क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके बगल वाला कार्बन पे है ना, तो इस कार्बन पे होना चाहिए, इसके बगल वाला कार्बन पे होना चाहिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, अरे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्या देखेंगे ट्रिक, हम लोग कैसे देखेंगे हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए, कि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए सीसी डबल बॉन्ड के क्रॉस सीसी डबल बोन उसके बगल वाला कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तभी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अगर एक हाइड्रोजन से कम भी रह जाएगा तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। चलो अब हम देखते हैं, ये तो अल्किन के ऊपर देखें, अब इसी तरह हम लोग कार्बो के टाइम पे देखते हैं, कार्बो के टाइम पे हाइपर कंजुगेशन कैसे शो करेगा, तो कार्बो के टाइम पे देखते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन, चलो बात करेंगे दूसरा कार्बो के टाइम, कार्बो के टाइम, कार्बो के टाइम के मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसमें हाइपर कंजुगेशन शो करता है या नहीं करता है, और करेगा तो कितने हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन शो करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो पहला एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, जैसे सी एच 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बारे में पता करना है कि हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, बहुत सिंपल ट्रिक है, क्या करना है ध्यान से देखना है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या कहते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहां पे ढक देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को ढको, ढकने के बाद उसके बगल में कार्बन है, इधर कार्बन है, कार्बन है क्या, नहीं है ना, तो कार्बन नहीं है, उस कार्बन नहीं है, तो कार्बन अगर है ही नहीं तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, मतलब जीरो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। दूसरा हम लोग अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि सी एच थ्री यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, ये बताइए क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसको ढक दो, ढक दिए, ढकने के बाद इसके जस्ट बगल में कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है तो शो करेगा, इसका हाइड्रोजन को नहीं काउंट करेंगे, जहां पे पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट अटैच है उसको नहीं काउंट करना है, काउंट किसको करना है, सर कार्बन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, अगर रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, तो तीन है इसका हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, थ्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे है, सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज एच और यहाँ पे सी एच थ्री, ये शो करेगा या नहीं करेगा, बहुत सिंपल है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको ढको, ढकने के बाद इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है, कार्बन का हाइड्रोजन कितना है थ्री है, इधर कितना है थ्री है, इसको नहीं काउंट करना क्योंकि ये डायरेक्ट उसी से अटैच है, जो डायरेक्ट उसी से अटैच रहेगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, तो कितने हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होगा, थ्री और थ्री सिक्स हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हमारा है CH3, इसके बारे में पता करना है क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ढको, ढकने के बाद सर इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हुए थ्री है, थ्री कार्बनों पे क्या हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इधर तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन तीन छह और तीन
नाइन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया, इधर हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको ढकना है, उसके जस्ट बगल ला कार्बन रहेगा उस पे हाइड्रोजन आइटम देखना है। अगर उस पे हाइड्रोजन आइटम रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अगर उस पे हाइड्रोजन आइटम नहीं रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। और जिसके पास हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन आइटम ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसमें कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करने के लिए जिसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। चलो अब ये कार्बोकैटायन देखने हम लोग, कार्बोकैटायन के बाद हम लोग इस सारे क्वेश्चन में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपोनेंट। नंबरिंग देते हैं इसको, वन दे देते हैं, इसको टू दे देते हैं, इसको थ्री दे देते हैं और इसको हम लोग फोर दे देते हैं। तो जिसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो इसके पास नाइन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, इसके पास सिक्स है, इसके पास थ्री, इसके पास टू है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है। इसके पास कितना है, नाइन, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फोर, फिर आपका हो गया थ्री, और फिर आपका हो गया टू, और सबसे कम हो गया वन। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या रहेगा ना, सेम कहानी अगर ऐसा ही आए हमारा सी एच थ्री कार्बन है, इस फॉर्म में दिया है, क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, एक क्वेश्चन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ पे सी एस थ्री है, ऐसे दिया है। चलो इसमें इन दोनों में पता करना है क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अगर शो करेगा तो कितना ज्यादा शो करेगा। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज को ढको, ढकने के बाद इधर कार्बन गया, इस कार्बन से इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है और इधर भी अटैच्ड है। इधर कितना हाइड्रोजन है, तीन, इधर कितना हाइड्रोजन है, तीन, इस वाला कार्बन पे कितना है, कितना बोन बनाता है कार्बन, चार बोन बनाता है, तो चार बोन बनाता है, वन टू थ्री, तीन बोन ऑलरेडी बना चुका है, एक घट रहा है, तो जितना घटता है उतना यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा रहता है, ठीक है। तो इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, तो तीन और तीन छह और एक सेवन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसके पास सर जहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको ढको, ढकने के बाद इस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन में क्या हाइड्रोजन है या नहीं है देखते हैं। इस कार्बन पे ऑलरेडी एक बोन, दो बोन, तीन बोन, अरे चार बोन, मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन है। आप बात करेंगे इधर सर, इधर बताइए, इधर एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक बोन इधर बनाया, लेकिन दो ही बोन बनाया कार्बन ना, लेकिन दो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, दो हाइड्रोजन छुपा हुआ तो इसके पास दो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया, इसके पास सेवन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तीन दोनों में बात करेंगे, इसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, दो का ज्यादा होगा, किससे, वन से। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी पता कर लिए, कार्बोकैटायन पता कर लिए, अब पढ़ेंगे लोग फ्री रेडिकल के बारे में। अब फ्री रेडिकल रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल, कार्बन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन शो करता है और उसमें भी हाइपर कंजुगेशन होता है। अब उसके बारे में पता करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे, हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे, आज वो पता करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में बात किए थे वैसे ही फ्री रेडिकल, उसमें कार्बोकैटायन को हम लोग ढक दिए थे, इसमें हम लोग क्या ढकेंगे, फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे जिससे कार्बन है, फ्री रेडिकल, यहाँ पे एच एच एच, और ये हमारा सी एस थ्री, इधर भी एच, इधर भी एच, सी एस थ्री, सी एस थ्री एच, एक और बोल देते हैं सी एस थ्री, फ्री रेडिकल सी एस थ्री, ये हो गया आपका सी एस थ्री। अब इसमें पता करना है हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और शो कर रहा है ताकि कितना कर रहा है। चलो देखो सर ये फ्री रेडिकल है ना, तो इस फ्री रेडिकल को ढको, ढकने के बाद क्या कार्बन है, क्या इधर कार्बन है, क्या कार्बन है, नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, ये काउंट नहीं होगा।
अगर कार्बन पे हाइड्रोजन रहता तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करता, लेकिन ये कार्बन पे नहीं है, डायरेक्ट फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ है, ये फ्री रेडिकल से जब जुड़ा रहेगा तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, जीरो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया। यहाँ पे बात करेंगे सर, इसको ढक दिए, ढकने के बाद इसके है कार्बन, कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, ये तो नहीं काउंट होगा क्योंकि डायरेक्ट फ्री रेडिकल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट फ्री रेडिकल वाला कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका हाइपर कंजुगेशन में काउंट नहीं होता है। तो सिर्फ इस बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन तीन है, इसको बोलेंगे थ्री हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ की बात करो, इसको ढक दो, ढकने के बाद इधर तीन और तीन छः, सिक्स हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे बात करो सर, तीन तीन छः और तीन, नाइन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग सर, वन टू थ्री, ये हो गया आपका फोर। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी के बात करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम ज्यादा रहेगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चौथा वाला सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, सबसे ज्यादा स्टेबल चौथा, फिर आपका तीसरा, और फिर हो गया आपका दूसरा, और फिर सबसे कम हो गया क्या, वन हो गया, तो दिक्कत है। नेक्स्ट है हमारा जो है वो अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन के मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सेम कहानी जो डबल बॉन्ड में किए थे वैसे ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में कहां कहां हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कहां नहीं करेगा। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, तो हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड को ढक दिए, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड को ढके तो क्या इसके बगल में कार्बन है, नहीं है, इस ट्रिपल बॉन्ड के बगल में कार्बन है, नहीं है, नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसको ढके, इसके जस्ट बगल में कार्बन है, कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और थ्री हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इसके पास। सर इसके पास इसको ढके, तीन और तीन, सिक्स हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम हो गया। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हमारा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा हमारा सिक्स वाला, क्योंकि इसके बाद हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर तीसरा, फिर हो गया आपका दूसरा, और फिर हो गया आपका पहला। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन में, कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम, ये हमारा है सूत्र फॉर्मूला, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा डायरेक्टली हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में पहला बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कंजुगेशन, चौथा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो चौथा हेडिंग क्या हमारा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बहुत सिंपल, क्या है ना, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएक्शन, अटैकिंग अटैकिंग रिएक्शन। अब पाई बॉन्ड टूटता है, टूटने को बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा, तो जैसे हमारा ये सी है, डबल बॉन्ड सी है, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है इसको पोलराइज बोलते हैं, टूटेगा तो एक पे आएगा माइनस चार्ज, एक पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। टूटेगा कब, जब इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के मतलब हुआ कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आता है, ठीक है, जैसे ई प्लस आता है, जैसे प्लस प्लस चार्ज के मतलब होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी है तो क्या करेगा, ए पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे आएगा माइनस चार्ज, एक पे आएगा प्लस चार्ज, और ये माइनस और ये प्लस में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब सर अट्रैक्शन कब हो रहा है, ए प्लस माइनस कब टूट रहा है, जब ये पाई बॉन्ड था, अभी इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, जैसे अटैकिंग रिएजेंट आएगा, जैसे अटैकिंग रिएजेंट आया, अटैकिंग रिएजेंट आने से क्या हो रहा है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है, टूट रहा मतलब पोलराइज हो रहा है, पोलराइज हो रहा है तो एक पे माइनस चार्ज आएगा, एक पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, अब फिर ये प्लस माइनस में वापस में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाया, तो क्या है ना,
जब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे ला रहे हैं, आप अटैकिंग रिएजेंट जैसे लाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा आपका कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में अगर ये कोई बॉन्ड पोलराइज हो जाए, टूट जाता है, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया जाएगा, तो अटैकिंग रिएजेंट हटाएंगे तो फिर ये प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो अगर अटैकिंग रिएजेंट लाते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, पोलराइज हो रहा है, टूट जा रहा मतलब पोलराइज हो रहा है, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट जैसे रिमूव कर दे रहे हैं फिर ये कंपाउंड ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी इफेक्ट, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। अगर रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे अटैकिंग रिएजेंट लाएंगे तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा, पोलराइज के मतलब क्या हो जाता है, टूट जाएगा। तो डेफिनेशन होता है पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट, यहां लिख सकते हैं इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, हम लोग लिखेंगे इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट, इसलिए बोलेंगे कि अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया जाएगा तो कंपाउंड ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इफ अटैकिंग रिएजेंट, यहां सब लोग यहां लिखेंगे If attacking reagent attacking reagent removed then compound should be original state, original स्टेट, इसी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब पोलराइज होना, पोलराइज होने के मतलब टूट जाना, मतलब जब पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये दो टाइप से होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट। अब ये दो टाइप से कौन कौन होंगे वो देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप से होते हैं, पहला होता है प्लस इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, माइनस इफेक्ट। चलो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये दो टाइप से होते हैं। पहला होते हैं प्लस इफेक्ट और दूसरा होते हैं माइनस ई इफेक्ट। पहला पढ़ेंगे वो प्लस इफेक्ट क्या होता है। प्लस इफेक्ट का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और अटैकिंग रिएजेंट वहीं पे जाके अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वहां पे अटैकिंग एजेंट नहीं अटैक करके उसके अपोजिट साइड में अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहां पे हम लोग H+ लाते हैं, ठीक है, H+ से यहां पे अटैकिंग रिएजेंट, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट है। अब अटैकिंग रिएजेंट है क्या हुआ, अभी हम लोग पढ़ाए थे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन मतलब इसको ढको, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 है। तो जैसे ही कंपाउंड अगर यहां पे ऐसे दिखाएंगे कि हाइपर कंजुगेशन होगा तो बॉन्ड किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो इस पे मतलब कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। मतलब हाइपर कंजुगेशन जब होता है कंपाउंड में
इलेक्ट्रॉन इधर माइनस चार्ज है ना, इधर क्या है प्लस चार्ज, और हाइपर कंजुगेशन होने से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ही ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफर हो रहा है इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल के आपस में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा इसका सी एच थ्री, सॉरी सी एच, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे सर सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच प्लस चार्ज और ये आपका हो गया सी एच थ्री, ऐसा कंपाउंड हो गया। अब देख सकते हैं कि अटैकिंग रीजन, अटैक करने वाला कहाँ पे अटैक किया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है वहीं पे जाकर अटैक कर लिया, इसको बोलेंगे हम लोग प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे माइनस इफेक्ट के बारे में, माइनस ई इफेक्ट, माइनस इफेक्ट क्या होता है, जैसे माइनस इफेक्ट में हमारा ये हुआ एच सी डबल बोन एच, यहाँ पे अटैकिंग रीजन हम लोग ओ एच माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब माइनस चार्ज है तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इन दोनों में देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है और इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, या नेगेटिव नेगेटिव में कभी आपस में बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसके अपोजिट में बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, कि ओ एच माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव वाला पे, मतलब ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो इसको सी ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे एच और यहाँ पे आपका हो गया ओ एच। अब बात करेंगे क्या अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पे अटैक कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे कि उसके अपोजिट साइड में, जब उसके अपोजिट साइड में अटैक करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग माइनस इफेक्ट, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहीं पे अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लस इफेक्ट। एक बार फिर से हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि प्लस इफेक्ट क्या होता है और माइनस इफेक्ट क्या होता है। प्लस इफेक्ट होने के लिए जब अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नेगेटिव के फॉर्म में हुआ है, तो वहां पे अगर अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट कहाँ बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस पर ना अटैक करके उसके बैक साइड में अपोजिट साइड में अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनस एम इफेक्ट, सॉरी माइनस ई इफेक्ट बोला जाता है। अभी बताए थे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, जब पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन के मतलब होता है क्या, जब पाई बॉन्ड टूटता है एक माइनस में और एक टूटेगा प्लस में, जब पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है उस फॉर्म को हम लोग बोला जाता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं प्लस एम इफेक्ट, सॉरी प्लस ई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट या प्लस इफेक्ट किसको बोला जाता है, प्लस इफेक्ट किसको बोला जाता है, जब अटैकिंग रिएजेंट वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, माइनस इफेक्ट वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसके अपोजिट साइड में करता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइनस इफेक्ट। अभी तक हम लोग पढ़ेंगे चौथा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, हम लोग पांचवा पढ़ेंगे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं पढ़ने जा रहे हम लोग, पांचवा होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक में पढ़े थे पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा इसमें पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट आर कॉल्ड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी है टेम्पोररी इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, लिख सकते हैं इट इज टेम्पोररी, टेम्पोररी इफेक्ट, इफ टेम्पोररी इफेक्ट। अगर अटैकिंग एजेंट रिमूव कर देंगे तो कंपाउंड जो होगा ओरिजिनल स्टेट में हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं इफ अटैकिंग एजेंट, अटैकिंग रिएजेंट रिमूव, रिमूव देन कंपाउंड शुड बी, देन
कंपाउंड शुड बी ओरिजिनल स्टेट एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल में क्लियर होगा, जैसे हमारा ये है सी 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 और यहाँ पे एफ है, ठीक है, और यहाँ पे सी 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 और ये हमारा एफ है, ठीक है। अब इन दोनों में से सर इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इन दोनों में भी यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, क्यों आ गया डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका जो होगा इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डेल्टा चार्ज घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डेल्टा चार्ज घटेगा, घटता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डेल्टा चार्ज घटेगा। अब क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट ला रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे पॉजिटिव आएगा इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला जो चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे अटैकिंग रिएजेंट हटा देंगे तो फिर ये दोनों में कोई फर्क रहेगा नहीं, फर्क दोनों बराबर है। जैसे अटैकिंग रिएजेंट आएंगे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये भी इसके बगल से खींचेगा, इसके बगल से खींचेगा तो इसका डेल्टा माइनस क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब ये डेल्टा डाइस जो होगा ज्यादा होगा किससे, डेल्टा माइनस से, डेल्टा माइनस से ज्यादा होगा। इसी बोलते अटैकिंग रिएजेंट अगर हटा देते हैं तो ये जो होगा हमारा ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। पांच छह टाइप से हम लोग बता चुके हैं, लास्ट है स्टेरिक इफेक्ट, हम लोग पढ़े जाएंगे स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोला जाता है, स्टेरिक क्राउडेड भी बोला जाता है। अब ये क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इफेक्ट है, नॉन बॉन्डिंग मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब इट इज द इफेक्ट, लिख सकते हम लोग द इफेक्ट एराइजेज एराइजेज ड्यू टू साइज ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम आर कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट, आर कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बॉन्डिंग इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं बनता है। क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, कार्बन सी एस टू, सी एस टू यहाँ पे हमारा है सी, सी एस थ्री, सी एस थ्री सी, सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कार्बन दोनों पास पास में है, पास पास में एक तो ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और एक तो ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अब दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप है, अब दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप है तो कोई भी बड़ा बड़ा आइटम एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब एक दूसरे को रिपेल करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेरिक रिपल्सन, या उसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक क्राउड बोलते हैं। तो देखो दोनों आइटम पास पास हुआ, इसमें रिपल्सन होने लगा, इस साइन है, साइन किसका स्टेरिक रिपल्सन का, साइन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, साइन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्सन मतलब साइज का एटम, मतलब कोई भी एटम का साइज बहुत बड़ा रहेगा तो उसमें रिपल्सन क्या होगा ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसमें स्टेरिक रिपल्सन भी ज्यादा होगा। एक चीज और बात करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये है हमारा बेंजीन, ये हमारा बेंजीन, और यहाँ पे भी हमारा ये है बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन हुआ, बेंजीन हुआ, यहाँ पे अगर साइज हमारा आयोडीन है, यहाँ पे भी साइज आयोडीन है, यहाँ पे भी साइज आयोडीन है, यहाँ पे भी साइज क्या है आयोडीन। अब बात कर चुके हैं आयोडीन, आयोडीन जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़े होते हैं। अब साइज बहुत बड़ा हो गया लेकिन ये दोनों पांच पांच एटम है, और यहाँ पे साइज इसका बड़ा हो गया, यहाँ पे भी साइज बड़ा हो गया, इसका भी साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा हो गया लेकिन दोनों पास पास में है, और साइज बड़ा हो गया दोनों पास पास में है तो क्या होगा रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन होगा मतलब एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इस रिपल्सन को बोलते हैं हम लोग स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्सन यहाँ पे भी स्टेरिक रिपल्सन। तो सर स्टेरिक रिपल्सन जो होगा एटॉमिक साइज, अगर साइज छोटा रहता है रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा रिपल्सन कम होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग स्टेरिक रिपल्सन,
देयर इज रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन आइटम और ग्रुप। अगर दो आइटम या ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, लेकिन जब साइज का आइटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसमें भी रिपल्सन ज्यादा होने लगेंगे। अभी हम इतना तक क्या पढ़े सर, अभी तक पढ़े हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जो होगा, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कितने टाइप से बताए थे, पहला बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा बताए थे हम लोग क्या इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और बताए थे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और बताए भी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और लास्ट में बताए हम लोग स्टेरिक इफेक्ट। ये सारे के सारे था इंडक्ट मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आपका क्या हो गया, इन हो गया। अब हम वो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट खत्म हुआ, खत्म होने के बाद अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में।